नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी की सब्जी, जो खाने में टेस्टी है, बनाना आसान है। हम एकदम लिपट मिसी सब्जी बनाएंगे। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी हमारी आलू गोभी की सब्जी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम गोभी लिए, 250 ग्राम आलू लिए, 2 टमाटर लिए और 2 हरी मिर्च लिए। टमाटर और हरी मिर्च को हम पेस्ट बना लेंगे और आलू को हम मीडियम साइज में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम तेल। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हम लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह मैंने तेज पत्ता यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी को मैंने अच्छे से धो लिया है, आलू को मैंने मीडियम साइज़ में काटा है और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक तेल के अंदर इसी तरह मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने 2 मिनट तक सब्जी को फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, धनिया पाउडर डाल देंगे 1.5 चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। लाल कश्मीरी मिर्च फ्रेंड, इससे कलर आता है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, बिना लहसुन प्याज के भी आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप सूखा भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ी सी लिपट में बनाऊंगी। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, वो भी डाल देंगे और इस पेस्ट को भी हम सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड, मैंने ये वाला 1 गिलास पूरा पानी लिया था, आधा पहले डाल दिया, आधा अब डाल देंगे। मैंने 1 छोटा गिलास पानी डाला है। सब्जी को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम सब्जी को ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक करेंगे और वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आलू थोड़े से कच्चे हैं, गोभी भी थोड़ी सी कच्ची है, तो अब हम इसे वापिस से ऊपर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम वापिस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी का काफ़ी पानी सूख गया है। ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी फ्रेंड। सब्जी हमारी बन गई है। सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को भी हम सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी टेस्टी सी सब्जी तैयार हो गई है खाने के लिए। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। एक बार तो ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये बिना लहसुन प्याज की आलू गोभी की सब्जी कैसी बनी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।